hello friends welcome back to the class of npc my name is shruthi and today we will discuss one more important topic from your chapter semiconductor and that is the pn junction okay today's lecture uh, is based on the small concept of pn junction and today we will cover some important points like formation of pn junction diffusion current drift current depletion layer and potential barrier okay these points are covered in this lecture but

बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए वी नीड अ प्योर सेमी कंडक्टर प्योर सेमी कंडक्टर चाहिए इंसुलेटर नहीं चाहिए हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ की ये नीड होती है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम कंट्रोल कर सकें ऐसे डिवाइसेज चाहिए आपको ऐसे मटीरियल्स चाहिए एंड इलेक्ट्रॉन का फ्लो वन डायरेक्शन में हो ये चाहिए बट यहाँ इंसुलेटर तो कोई वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन्स दोनों डायरेक्शन में फ़्लो कर सकते हैं सो कंडक्टर एंड इंसुलेटर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ नहीं की जा सकती है बची है सेमी कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर डिवाइस में ये जो नीड है फुलफिल हो रही है कि इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को कंट्रोल हम कर सकते हैं और वन डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को करवा सकते हैं ओके okay. अब कैसे करवा सकते हैं एंड जो आपके टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर में हमने सेकेंड एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर पढ़ा है एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर में हमने ये पढ़ा था कि इनमें हम टू टाइप्स के पी एंड एन एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर दीज आर टू टाइप्स एक्स पी एन सॉरी पी एंड एन टाइप्स और पी में हम इम्प्यूरिटी मिक्स करते हैं किसकी ट्राई ओके ट्राई जो एटम्स होते हैं उनकी इम्प्योरिटी मिक्स करके हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाते हैं एंड एन टाइप में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी या पेंटावेलेंट एटम की इम्प्योरिटी मिक्स करके एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं ओके okay, अब आपको इतना तो पता है अब हम पी एन जंक्शन के बारे में स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पी एन जंक्शन के फॉर्मेशन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से की जा सकती है या तो हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर ले जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं और दोनों को इंक्लूड कर दें कनेक्ट कर दें तो हमारा पी एन जंक्शन बन गया या फिर हम क्या करें पी टाइप के वेफर लें ठीक है वेफर लें और उसमें हम पेंटावेलेंट एंड इम्प्योरिटी मिक्स कर दें तो यहाँ एन टाइप का सेमीकंडक्टर या एन टाइप का मटेरियल भी आपको मिल गया तो आपका हो गया पी एन जंक्शन ठीक है या फिर हम एन टाइप के वेफर में ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स कर दें देन पी एन जंक्शन आपका मिल जाएगा तो पी साइड और एन साइड ये आपके डिफरेंट डिफरेंट है क्योंकि पी साइड में पी साइड में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं जो होल्स को हमने प्लस ठीक है ये ब्लैक कलर का जो पेन है दैट इज़ लाइक एन होल्स ओके एंड रेड कलर के पेन से हमने इंडिकेट किया है इलेक्ट्रॉन्स को एन टाइप का सेमीकंडक्टर या एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स ओके ये है पी और ये एन क्लियर है यहाँ तक अब होता क्या है कि एन टाइप में एन सेमी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूजेस होते हैं फ्रॉम एन टू पी ओके इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ डिफ्यूज़ होते हैं एंड होल्स पी से एन की तरफ डिफ्यूज़ होते हैं देन डिफ्यूज़ होने के बाद में जो होल्स हो होते हैं उस उनकी एक लेयर यहाँ एन सेमीकंडक्टर के साइड में बन जाती है एंड इलेक्ट्रॉन्स जो एन से निकले हैं मीन्स एन से डिफ्यूज हुए हैं एन टू पी उनकी जो लेयर है वो पी साइड पर बन जाती है ठीक है तो ये जो लेयर आपको दिख रही है दिस इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर डिप्लेशन लेयर इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे एन से पी की तरफ जाएंगे तो ये होल्स में डिफ्यूज़ हो जाएंगे डिफ्यूज हो जाएंगे इन द सेंस न्यूट्रल हो जाएंगे तो ये जो एक पर्टिकुलर रीजन है जैसे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर गए डिफ्यूज हो गए तो यहाँ पर क्या है ब्लैंक बन गया ये जो लेयर है ये पूरा ब्लैंक बन गया और यहाँ पर क्या होता है कि जो करंट है करंट है वो स्मॉल साइज का बनता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आके डिफ्यूज़ हो जाते हैं तो करंट जो बनी है स्मॉल करंट बनी है वो भी ज़ीरो हो जाती है ओके आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा चलिए अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं मीन्स होल्स हैं और ये नेगेटिव चार्जेस हैं तो इस होल्स के कारण ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिवली बिहेव करेगा और ये नेगेटिव बिहेव करेगा अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है जिसकी डायरेक्शन जिसकी डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन्स इस लेयर में डेपलेशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी क्लियर है और पॉजिटिव को हमेशा हम हायर पोटेंशियल डिनोट करते हैं नेगेटिव के लिए हम लोअर पोटेंशियल तो यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट हो जाता है ओके बट पोटेंशियल एक्चुअली में तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रहता है यहाँ पर भी आपका ये वाला रीज़न पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो होना चाहिए इस डायरेक्शन में बट इस डेफलेशन लेयर के कारण डिफ्यूज़न प्रोसेस के कारण होता ये है कि जो पोटेंशियल है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है ओके okay, मीन्स एक पोटेंशियल रजिस्ट की तरह वर्क करता है और इसे ही हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर ओके चलिए आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस लेयर में ठीक है और एक और चीज़ जब डिफ्यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आके डिफ्यूज़ हो रहे हैं तो ये यह यहाँ से जो डिफ्यूज़न करंट बनता है काफ़ी स्मॉल अमाउंट में बनता है तो डिफ्यूज होने के कारण इस करंट को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट नाउ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अगेन एन टाइप की तरफ पुश होते हैं ठीक है ये इलेक्ट्रॉन्स है आपके ये इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप की तरह या एन साइड पुश होंगे एंड ये जो होल्स हैं वो पी साइड पुश होंगे और इसी से एक और करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज़ द ड्रफ्ट करंट ठीक है इसे क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट और ये ऑपोजिट होता है डिफ्यूज़न करंट के ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूज़न करंट के ऑपोजिट होता है और एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये आती है जब डिफ्यूज़न करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो जाते हैं इनिशियली तो क्या होगा डिफ्यूज़न करंट ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू द ड्रिफ्ट करंट बट धीरे धीरे ये जो डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस हैं ये लगातार होती जाएंगी देन डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो जाएगा ओके डिफ्यूज़न करंट एंड ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो पोटेंशियल बैरियर होता है पोटेंशियल बैर हायर हायर पोटेंशियल मान लेते हैं और ये लोअर पोटेंशियल मान लेते हैं तो पोटेंशियल बैरियर इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं इस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं आई होप पी एन जंक्शन के बारे में ये आपको समझ में आया होगा अब ये यहाँ पर पी एन जंक्शन में इतने चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट थी इतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी अब हम पी एन जंक्शन डायोड पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पी एन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच